मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 73 एंड 74, रिवीजन टाइम। पूरा चैप्टर हो गया, अब हम रिवीजन करेंगे। आज क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे a माइनस जब 0 हो, a में से जब 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एक सेम नंबर। जैसे 8 a है यहां पर, माइनस 0 करो, 8 में से जब 0 माइनस करते हैं क्या आएगा, 8 सेम नंबर आएगा ना, तो ये a क्या है, सेम नंबर है यहां पर, ठीक है। फिर जब a माइनस a कर दे, a में से a को घटा दे तो क्या आएगा, 0। फॉर एग्जांपल 7 में से 7 ही माइनस कर दे तो क्या आएगा, 0। उसी से रिलेटेड ये सम है, देखो 159 माइनस 0, a माइनस 0 इज इक्वल टू a, a कौन होता है, यही नंबर। सेम नंबर में से जब 0 घटाएंगे तो वही आंसर आएगा ना, सेम नंबर। फिर देखो 639 में से 1 माइनस कर दो, जैसे आप 10 माइनस 1 कर दो क्या आता है, 9, और ये प्रीडेसेसर भी कहलाता है, यानी कि बिफोर भी होता है। 639 में से 1 माइनस करेंगे 638, क्या आएगा, 630। नेक्स्ट है 700 माइनस, क्या करें कि आंसर 0 आए, 700 में से क्या माइनस करें कि 0 आए, यहां देखो a में से a माइनस करते क्या आता है, 0, और a कौन है, आगे वाला ही, यही a है और उसी को माइनस कर दो, तो यहां a क्या हमारे पास, 700। अगर 700 में से 700 माइनस कर दे तो क्या आएगा, 0। वेरी गुड। अब देखो 522 में से 522 माइनस कर दिए, सब सारे के सारे माइनस कर दिए तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, उसके लिए क्या लिखते हैं, 0। 717 में से क्या घटाएं कि आंसर 779, वही आंसर आ जाना चाहिए, सेम टू सेम, क्या माइनस करें, अरे जब 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 716, वो तो रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब हम उसमें से क्या माइनस कर दें, 0। 717 में से 0 माइनस कर दें तो वही आएगा, ये वाला रूल फॉलो करेंगे, a माइनस 0 इज इक्वल टू a। अब 238 में से क्या माइनस करूं, 237 आ जाए, देखो यहां 38 यहां 37, यानी एक कम हो गया तो वो एक हम माइनस कर देंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पर देखते हैं, आर यू, 238 में से 1 माइनस किया, 237, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चेक द फॉलोइंग सबट्रैक्शन सम्स बाय एडिशन। हमें सबट्रैक्शन चेक करना है, लेकिन कैसे, एडिशन की हेल्प से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ए का ए पार्ट क्या दिया है, 528 माइनस 315, आंसर क्या आया, 230। इसको रो 1 लिख सकते हैं, रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, रो 1 रो 2 रो 3, रो 1 क्या है 528, रो 2 क्या है 315 और आंसर क्या है 230। अब कहते हैं क्या आंसर ये ठीक है कि नहीं, आप चेक करके बताओ, हम लोगों की जिम्मेदारी लगा दी, चलो कर देते हैं। जो ये रो 3 है 213 ये लिखा हुआ है, फिर जो रो 2 है ये लिखा हुआ, ये रो 3 ये रो 2, कौन सी मिसिंग है, रो 1। अगर ये आंसर रो 1 आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा, अगर रो 1 नहीं आया तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। देखो क्या करना है, प्लस 5 एंड 3 8, 1 एंड 1 2, 5 एंड 2 एंड 3 5, 528, रो 1 आ गई है तो क्या है ये, रो 1, यही मिसिंग थी ना। अब देखो रो 1 भी हो गई, 2 भी और 3 भी, 1 2 3 और इधर 1 2 3, सब कुछ ठीक है, सेम आ गए, तीनों रो सेम हो गई, तो सबट्रैक्शन इज करेक्ट। क्या लिखेंगे, सबट्रैक्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट में भी ऐसे करना है, देखो ये क्या है, रो 1 आप लिख लेना ऐसे, याद रहेगा, रो 2 और ये है रो 3, इधर देखो कौन कौन सी रो है, 405 रो 2, 465 रो
नहीं है, टू एंड थ्री है, चलो ऐड करते हैं, अगर रो वन आ गया तो आंसर ठीक है। फाइव एंड फाइव टेन, वन कैरी, जीरो एंड सिक्स सिक्स एंड वन सेवन, फोर एंड फोर एट। देखो क्या ये है 860, यहाँ क्या है 870, ये तो रो वन नहीं है, रो वन क्या है 860 और आंसर क्या है 870। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज इनकोरेक्ट, सब्ट्रैक्शन इज इनकोरेक्ट। ओके बस यही बताना था। नेक्स्ट में है रो वन क्या है 567, रो टू क्या है 218, रो थ्री क्या है 348। अब देखो 218 क्या है रो टू, 348 क्या है रो थ्री, हमें क्या निकालना है रो वन। अगर हमारे पास रो वन आ गया तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। 8 and 8 16, ऐसे होगा ना 4 is 16, ऐसे होता है बेटा, ये 6 यहाँ लिखते हैं और 1 को क्या करते हैं कैरी करते हैं। 4 plus 1 5 and plus 1 6, 3 plus 2 5, ये क्या है हमारे पास 566। रो वन क्या है यहाँ पर 567, क्या है नहीं आई ना रो वन, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज इनकोरेक्ट। नेक्स्ट करेंगे फिर हम, सब्ट्रैक्शन इज इनकोरेक्ट। ओके नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या है हमारा, आवाज तो नहीं आई इसकी। नेक्स्ट है डी पार्ट 862 minus 465, आंसर क्या दिया इसने 397। तो हमें वैसे ही लिखेंगे, ये है रो वन, ये रो टू और ये रो थ्री, उधर चेक करते हैं कौन कौन सी है 465, ये कौन सी रो है टू, लिख देते हैं उसके सामने आसान रहेगा, 397 रो थ्री। अब हमें क्या निकालना है रो वन, अगर हम इनको ऐड करेंगे रो वन आ गई तो हमारा आंसर क्या होगा सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट, अगर नहीं आया तो सब्ट्रैक्शन इज इनकोरेक्ट। चलो करके देते हैं 5 and 7 12, 12 ऐसे होता है बेटा, और पीछे वाला डिजिट यहाँ लिखते हैं आगे वाले को कैरी करते हैं, ठीक है। 9 and 6, 9 से आगे काम करो 10 11 12 13 14 15, 15 आगे और एक वन 16, 16 ऐसे लिखते हैं, ये 6 यहाँ पर और ये 1 क्या 4 plus 3, वेरी गुड 7 and 1 8। अब देखो 862, ये क्या आई हमारी रो 1, तो इसका मतलब हमारी रो 1 भी आ गई, 2 भी है और 3 भी है, तो आंसर इज करेक्ट, सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ भाई 321 minus 113, आंसर दिया 208, ये रो वन है, ये रो टू है और ये रो थ्री है। अब हमारे पास यहाँ कुछ नहीं दिया, हमें अपने आप लिखना है, हम क्या लिखते थे रो टू एंड रो थ्री, तो यहाँ रो टू क्या है 113 और रो थ्री क्या है 208, और क्या करते थे प्लस, ये क्या है रो टू और ये क्या है रो थ्री, टू एंड थ्री को लेके हम ऐड करते थे 8 and 3 11, 1 and 0 1 और ये 1 2 2 1 3, तो क्या ये एक रो वन आई, यस 321, तो ये क्या आया रो वन, सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो आप इस तरह से
इमेज नंबर 73 एंड 74 अपनी बुक में सोल्व करेंगे। किसमें करेंगे?